LSTV इंडिया में आपका स्वागत है। ड्यूटी के दौरान मंदिर में खेल रहे थे ताश, दो ASI समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, देखें वीडियो। आपको बता दें कि जो पुलिसकर्मी दूसरे लोगों को ताश के पत्ते खेलते देख उनकी पिटाई करते हैं और उन्हें हवालात में बंद कर देते हैं, उन पर जुर्माना भी डालते हैं। जो कि वो आम लोग कोई भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल ताश के पत्ते खेलते वक्त नहीं करते और इन पुलिसकर्मियों ने तो हद ही कर दी है। इन पुलिसकर्मियों को इस शर्मनाक हरकत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ड्यूटी के दौरान नेपानगर के जैन मंदिर में आराम फरमा रहे पुलिसकर्मियों ने बुधवार को ताश खेलना भी शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके साथ ही धार्मिक स्थल पर ताश के पत्ते खेलने पर मंदिर समिति ने भी SP राहुल लोढ़ा से शिकायत कर दी। इसे संज्ञान में लेते हुए SP ने गुरुवार को इसमें शामिल रहे दो ASI समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। SP कार्यालय ने जारी पत्र में कहा है कि वर्दी में ताश के पत्ते खेलकर ASI दरियाब सिंह गोलकर, ASI सत्येंद्र सिंह प्रधान, आरक्षण रामकरण नारायण और ASF के आरक्षण BS यादव ने घोर अनुशासनहीनता व पुलिस की छवि धूमिल करने वाला कार्य किया है, जिसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। वहीं आपको बता दें, पत्रकारों से मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया था। जानकारी के मुताबिक ताश के पत्ते खेलते बना रहे वीडियो स्थानीय पत्रकारों के साथ पुलिसकर्मियों ने अभद्रता भी की। उन्होंने पत्रकारों के मोबाइल छीनने और वीडियो डिलीट करने का भी प्रयास किया था। इसे लेकर पुलिसकर्मियों और पत्रकारों में काफ़ी नोकझोंक भी हुई थी। वहीं आपको दूसरी तरफ बता दें कि आम लोग पत्ते खेल रहे थे, उनके साथ पुलिस ने क्या किया, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दोपहर पुलिस कमिश्नर को सिविल अस्पताल के पास से किसी व्यक्ति ने फोटो भेजकर बताया कि सिविल अस्पताल के पास कुछ लोग ताश के पत्ते खेल रहे हैं। इस पर थाना डिवीजन नंबर 2 की पुलिस को सूचना इसकी दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर वहां से 7 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसमें से 2 बुजुर्ग और 5 युवा थे। बुजुर्गों को पुलिस ने उनके घर पर पहुँचा दिया और बाकी सभी को सिविल अस्पताल में दाखिल मरीजों की सेवा के आदेश दे दिए।